अब इंदौर का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड डिस्को चाट का लुफ्त अब आप सहरसा में भी ले सकते हैं। बिल्कुल इंदौर जैसा स्वाद आपको इस चाट में मिलेगा। तो देर किस बात की, बिना देर किए आप सहरसा के इस आउटलेट में आकर इसका स्वाद चख सकते हैं। अगर आप भी स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं तो आप बिना देर किए सहरसा शहर के तिवारी चौक के समीप बुलेट शोरूम के ठीक बगल में आपको चाट पुचका नाम का एक आउटलेट दिखेगा, जहां पर चाट जरूर खाए। इस आउटलेट पर आपको चाट का अनेकों आइटम आपको मिल जाएगा। इस आउटलेट में आपको 30 से 35 प्रकार के चाट का आनंद आप ले सकते हैं, जो नाम आप शायद ही कहीं पर सुने होंगे। इसे बनाने वाला भी कोई स्थानीय कारीगर नहीं है, बल्कि मुंबई इंदौर जैसे बड़े बड़े शहरों में काम करने वाले कारीगर इस आउटलेट में काम कर रहे हैं। डिस्को चाट के साथ आपको मोजितो ड्रिंक भी मिलेगा, जो खास तौर पर पुदीना नींबू के अलावे अन्य कई चीज़ों से तैयार की जाती है। कहाँ से आया है? मैं इंदौर से आया हूँ। क्या यहाँ पूछा, क्या बना तैयार करते हैं, कौन सी दुकान है? चाट पूछका इंदौर से, और यहाँ सहरसा बिहार में है अभी, और मैं भी बिहार में हूँ अभी फिलहाल के लिए। मैं सेफ हूँ इधर का, और इधर चाट समोसा चाट है अपने पास, दिल्ली पापड़ी चाट है अपने पास, डिस्को चाट है अपने पास, और इसमें पिज़्ज़ा चाट भी है अपने पास। और इधर पिज़्ज़ा चाट भी अच्छा चलता है, और समोसा चाट भी अच्छा चलता है इधर, दिल्ली पापड़ी चाट भी अच्छा चलता है, डिस्को चाट भी अच्छा चलता है इधर। और डिस्को चाट आखिर कहाँ का डिश है ये? अपने इंदौर का डिश है, इंदौर का डिश है, वहाँ ज़्यादा लोग पसंद। हाँ, वहाँ पर बहुत अच्छा है इसका। इसके साथ साथ और क्या आप दे रहे हैं? इसके साथ ये अपना मोजेटो है, मोजेटो भी अच्छा चल रहा है अपना इधर, जैसे कि इधर ब्लैक करंट मोजेटो है, ब्लू बर्री मोजेटो है, ऐसा बहुत अच्छा। मोजेटो में क्या क्या आप लोग डालते हैं? उसमें मोजेटो में जैसे कि ब्लैक करंट आया तो ब्लैक करंट सरप आता है, उसका सरप डलता है उसमें, सरप डलने के बाद उसमें पुदीना है, लेमन है, और स्प्राइट है, और थोड़ा सा सरफ है, ये सब चाट किस तरह से बनाया जाता है? इसमें सर हमारा इंदौर का आलू मसाला है, मसाला आता है इंदौर से कंपनी से हमारी, यहाँ लोकल में नहीं मिलता है सर वो, तो आलू मसाला उसमें मिला के और अच्छे से लेस चिप्स में बनता है सर वो, लेस चिप्स में। हाँ सर, लेस चिप्स तो लोगों का क्या डिमांड हो रहा है? बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, बहुत अच्छे बता रहे हैं, बहुत जाता है सर हमारे यहाँ, वो सबसे ज़्यादा जाता है। लगभग कितने प्रकार की चाट आपके यहाँ? वैसे हमारे यहाँ डिस्को चाट है, टिंगल चाट है, और कटोरी चाट है, ट्रे चाट है, दिल्ली पापड़ी चाट है, समोसा चाट है। आप ये भी मैं पहले कर्नाटक में किया, कर्नाटक फिर इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, और छत्तीसगढ़, और उड़ीसा, और अभी बिहार में हूँ सर फिलहाल के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा राहुल है सर। वहीं कारीगर राहुल कुमार बताते हैं कि वह इंदौर में के रहने वाले हैं। वह कई बड़े बड़े होटलों में काम कर चुके हैं। सहरसा के चाट पुचका आउटलेट में प्रसिद्ध डिस्को चाट को लोग बड़े सोफिया अंदाज में खाते हैं। यह चाट देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खाने में लगता है। वहीं यह चाट के साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी दिया जाता है, जो पीने में काफ़ी अच्छा लगता है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा यह डिस्को चाट चिप्स से तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ पिज्जा चाट को भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जो हमारे इस आउटलेट का यह चाट काफ़ी प्रसिद्ध है। चाट पुचका आउटलेट के ऑनर रोशन कुमार बताते हैं कि हमारे जिले के लोग एक ही प्रकार के चाट का स्वाद चखते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोग दूसरे बड़े बड़े शहरों का प्रसिद्ध देश का भी स्वाद अब अपने शहर में ले सकेंगे। इसके लिए चाट पुचका आउटलेट में विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध डिश को तैयार किया जाता है, वह भी बेहद खास कारीगर के द्वारा, जो बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े होटलों में काम कर चुके हैं। हमारे इस आउटलेट में चाट के कई डिश है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। फेमस की जहाँ तक बात है तो इसका नाम चाट फुचका है, तो चाट फुचका हमारा बहुत तरह का चाट या फुचका होता है,
सबसे हमारे यहाँ बड़ा पाव पाव भाजी ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। हमारे यहाँ मोहितो वगैरह का भी जो है सो अच्छा, चाट का बहुत सारा आइटम आप अगर देखेंगे तो चाट का अप्रॉक्स हमारे यहाँ टोटल 136-137 आइटम टोटल, जिसमें कि चाट का लगभग इसमें रहेगा भी 35-40 हमारा जो है सो चाट के आइटम है। अलग रेट हम लोग रेट जो यहाँ के मार्केट में जैसा रेट रखा गया है उससे बहुत ही कम हमारा रेट, अगर आप देखेंगे किसी भी चीज़ को अगर आप ले लें, जैसे कि पानी पूरी ही है तो 10 रुपया में या 20 रुपया में 8 पानी पूरी देते हैं लोग यहाँ रोड साइड में, हम भी 20 रुपये में 6 पानी पूरी देते हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, आप इस आउटलेट को ही नेक्स्टली क्या है कि हमारे सहरसा में जैसे कि लोगों का जो डिमांड है, यहाँ क्या है बगल में हमारे कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का है क्या कि वो क्वालिटी मिले, थोड़ा सा क्वांटिटी और क्वालिटी सही हो, प्राइसिंग सही हो और अच्छा चीज़ मिले, ठीक है, जो कि थोड़ा सा सहरसा में तो पहले से है, ठीक है, लेकिन चाट और फुचका को लेकर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर पिज्ज़ा को लेकर अलग अलग आउटलेट हैं, मोमोज़ को लेकर भी है, पर चाट वगैरह में ऐसा कुछ नहीं था। और लोगों का क्या होता है कि कभी भी खाना अगर कोई खाए पिए भी होता है ना तो उसको चाट वगैरह की जरूरत होती है, नीड होती है। तो मेरा नाम रोशन हुआ है।